हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय क्लास स्पोकन इंग्लिश क्लास। टुडे इज द 9th डे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश क्लास। वी आर गोइंग टू स्टडी शॉर्ट सेंटेंसेस, डेली यूजर्स सेंटेंसेस, डेली कन्वर्जेशन सेंटेंसेस। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। और आज हम आपको कुल 82 सेंटेंस प्रोवाइड कराएंगे जो कि शॉर्ट सेंटेंस है और डेली यूजेस सेंटेंस है, जिनको आप पढ़कर अपने प्रतिदिन के लाइफ में अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वोटेशन के तहत। यू मे हैव टू फाइट ए बैटल, यू मे हैव टू फाइट ए बैटल मोर देन वंस टू विन इट। लाइन काटता है, किसी लड़ाई को जीतने के लिए आपको एक से अधिक बार लड़ना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है इस बात का, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए, उसको जीतने के लिए एक से अनेक बार लड़ना पड़ सकता है। किसी कंपटीशन को फाइट करने के लिए अनेक बार एग्जाम देनी पड़ सकती है, क्योंकि सफलता का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसने असफलता का स्वाद टेस्ट किया हो। क्योंकि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, क्योंकि असफलताएं ही सफलता की सीढ़ियां होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला सेंटेंस, मैं काम में लगा हुआ हूं, मैं आपको पढ़ाने में व्यस्त हूं, इंग्लिश स्पोकन क्लास लेने में व्यस्त हूं। आई वॉज इन्वॉल्व इन सम वर्क, आई वॉज बिजी इन सम वर्क, आई वॉज इंगेज्ड इन सम वर्क। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया, यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम। बालों में तेल लगा लो नहाने के बाद, बिना नहाए मत लगाना। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, आज आप किसके साथ सोएंगे, विथ होम विल यू स्लीप टूडे। पांचवा सेंटेंस, मैं तो मजाक कर रहा था, किसी के साथ भी सोना मुझे क्या फर्क पड़ता है। आई वॉज जस्ट किडिंग या आई वॉज जस्ट मेकिंग फन। सिक्स नंबर, माफ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। बहाना बनाता है ना कोई, तब ये सेंटेंस बोलता है, माफ कीजिए कि मैं देर हो गई, मुझे मैं समय पर नहीं पहुंच सका, मुझे बहुत बातें करनी है। कोई व्यक्ति किसी अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिलता है तो क्या कहता है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, इसके जिम्मेदार तुम हो। कोई काम गलत हो जाता है तो किसी आदमी को उसकी गलती बताने के लिए क्या कहा जाता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिम्मेदार के लिए रिस्पॉन्सिबल वर्ड आता है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, इस असुविधा के लिए आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। असुविधा के लिए इनकन्वीनियंस वर्ड का यूज किया जाता है, जबकि सुविधा के लिए कन्वीनियंस वर्ड का यूज किया जाता है। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, आई श्योरली मीट यू, आई श्योरली मीट यू। 11 नंबर, अटक अटक के मत बोलो। कोई आदमी गलत काम कर लेता है या डरा हुआ रहता है तो वह किसी भी बात को बोलता है तो अटक अटक के बोलता है। तो अटक अटक कर जो हिंदी मीनिंग है उसका अर्थ होता है इंग्लिश में स्टटर, डोंट स्टटर। 12 नंबर, जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो। कोई भी काम अगर जल्दबाजी से किया जाता है ना तो उसमें गलतियां होने के चांसेस 90% होते हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी मत करना। हैव पेशेंस, यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्ट। 13 नंबर है, सबसे पहला महीना कौन सा, विच इज द फर्स्ट मंथ। नेक्स्ट, एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए मंथ। हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए, वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। वेन वी गो अब्रॉड, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन मेक कन्वर्जेशन टू अदर्स, वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स टू अदर्स, वी कैन कम्युनिकेट टू अदर्स। दैट्स वाई वी मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इन प्रेजेंट सिनेरियो इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश हमको क्यों सीखनी चाहिए। वार्तालाप का माध्यम है भाषा, और इंग्लिश
विदेशों में पढ़ने के लिए और भारत में भी बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बनने लग गई है। वर्तमान की आवश्यकता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है, हिज टैलेंट इज प्रेज़वर्थी। कोई आदमी प्रतिभाशाली होता है तो उसके प्रशंसा के लिए दो शब्द कहते हैं, तो उसकी प्रतिभा प्रतिभा काबिले तारीफ है, हिज टैलेंट इज प्रेज़वर्थी। वह हमें छुप छुप कर देख रही है, छाने छाने देख रही है, सी इज स्निकिंग आउट एट अस, सी इज स्निकिंग आउट एट अस। तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया, हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, कल क्यों नहीं किया, आज क्यों किया। भारत गणतंत्र कब बना, वैन डिड इंडिया बिकेम रिपब्लिक, कब बना भाई गणतंत्र, कमेंट सेक्शन में लिखना। आप कब पैदा हुए, वैन वर यू बॉर्न। नेक्स्ट है, मुझे अब चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ। 22 नंबर है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे। कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशन सेंटेंस है, और ये कंडीशन जिसमें इफ अनलेस सपोज आदि वर्ड्स हैं ये शुरू होती है। एक सेंटेंस मेन क्लॉज होता है और दूसरा सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो इफ सपोज शुड आदि वर्ड से, अनलेस आदि वर्ड से शुरू होते हैं, और जो मेन क्लॉज है मुख्य उपवाक्य उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जटिल वाक्य, जिसमें एक सेंटेंस है, ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें एक से जो कंडीशनल सेंटेंस है यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, जबकि दूसरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। ध्यान रखें इस कंडीशनल सेंटेंस को। नेक्स्ट, क्या आप उससे मेरी बात करा दोगे, कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू हिम। आपकी आवाज कट रही है, फोन में बात करते समय नेटवर्क एरिया में नहीं रहता है, फोन रेंज में नहीं रहता है, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। नेक्स्ट है, क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया, हैवंट यू बॉट द टिकट सो फार। यहां पर लेना का मतलब है परचेज करना, तो लेना का अर्थ टेक नहीं आएगा, क्योंकि टिकट बिना पैसे के थोड़ी मिलती है, टिकट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए परचेज वर्ड या बॉट वर्ड आया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, सड़क पर मरम्मत चल रही है, द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, यह प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, अंडर, अंडर प्रोसेस, अंडर वर्क, ऐसे वर्ड्स आते हैं। 27 नंबर है, जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, सेम कंडीशनल सेंटेंस है, अनटिल यू कम आई विल वेट। वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता, ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड, ही इज सो वीक दैट ही कांट राइज फ्रॉम द बेड। 29 नंबर, फोन को चार्जिंग उतार दो, चार्जिंग केबल हटा दो, अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग, अनप्लग द फोन फ्रॉम द चार्जिंग। तुमने किसको साइकिल के पीछे बैठाया, होम हैव यू मेड सिट एट द बैक ऑफ योर बाइसाइकिल। यहां पर जो मेड वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ब है, दूसरों से काम करवाने के सेंस में पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे गेट है, मेक है। 31 नंबर है, यह बस कहां जाती है, वेयर डज दिस बस गो, वेयर डज दिस बस लेट यू। 32 नंबर है, यह गाड़ी अभी गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी है, इंतजार करो, इट इज स्टिल हाफ एन आवर, इट इज स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू अराइव। स्पीक विथ मी, इट इज स्टिल हाफ एन आवर फॉर द ट्रेन टू अराइव। 33 नंबर, जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया पापा आ गए, द मोमेंट आई स्टार्टेड फ्लाइंग डैड टर्न्ड अप, टर्न्ड अप का अर्थ होता है पहुंचना। 34 नंबर, यहां पर आप सिंपल वर्ड का यूज करना चाहते हो, टर्न्ड अप की जगह केम कर्स का यूज भी कर सकते हैं। 34 नंबर है, उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें बुरा लग गया, व्हाट डिड ही से टू मेक यू फील वेट। 35 नंबर है, ये पैसा वसूल मूवी थी, कोई फिल्म हिट हो जाती है उसका अच्छा रिटर्न मिलता है, तो ये सेंटेंस है, दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, वर्थ का यह तो अर्थ होता है कीमती, योग्य, बहुमूल्य। ट्रेन किस समय छूटती है या ट्रेन किस समय रवाना होती है,
When does the train leave? उसकी जान में जान आई, राहत की सांस ली, उसने राहत की सांस ली या उसकी जान में जान आई. He heaved a sigh of relief. यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है. This boy looks very lovely. This boy looks very lovely. 39 नंबर है, मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है. I don't mean to hurt you. मेरा तुम्हें कष्ट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है. I don't mean to hurt you. या मैं तुम्हें कष्ट परेशान नहीं करना चाहता. I don't want to hurt you. सेंटेंस का इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, उसका हिंदी अर्थ आना चाहिए, तभी आप उस वर्ड को सेंटेंस में अप्लाई कर पाओगे. राम का तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है. राम डजंट मीन टू हर्ट यू. अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट, इस लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट. हैव पेशेंस, धैर्य रखो, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए 42 सेंटेंस और लाया हूं. इसे शॉर्ट सेंटेंस. ही दैट हैज पेशेंस कैन अचीव एनीथिंग ही वॉन्ट्स. जिसके पास पेशेंस है वो जो चाहे पा सकता है, प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है. इसलिए आपको भी पेशेंस रखना होगा इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए, क्योंकि एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता है. फर्स्ट सेंटेंस है, कान खोलकर सुन लो. अपने कान है खोलकर सुन लो. किसी को चेतावनी देते हैं, क्या कहा जाता है? यू बेटर लिसन अप. बहुत सा अब सहन नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा. यू सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर. मुझे 7:45 उठना है. आई एम टू गेट अप एट 7:15. यानी एम टू, इज टू, आर टू, ये जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है. हम बहुत शीघ्र आ गए हैं. वी आर टू अर्ली, क्या हम बहुत जल्दी में जल्दी आ गए हैं. अगला, तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए. यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क. वर्क यहां पर मिसप्रिंट हो गया. यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क. यू मस्ट बी इंगेज्ड इन योर वर्क. हमें सफलता का पूरा भरोसा है. वी आर श्योर ऑफ सक्सेस. ठंडा पानी मत पियो. सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. डोंट टेक चिल्ड वाटर, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ठंडा पानी जो पीते हैं फ्रीज का वो 10 डिग्री 5 डिग्री के लगभग होता है. तो अगर 37 डिग्री पे 5 डिग्री पानी डालेंगे, 5 डिग्री टेम्परेचर का पानी डालेंगे तो क्या होगा? उल्टा रिएक्शन होगा. ठंडा पानी मत पियो. डोंट टेक चिल्ड वाटर. ठंडी चीज़ें मत खाओ. डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स. देखो, ईट वर्ड से ईटेबल्स वर्ड का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है. ईट वर्ड एक वर्ब है, क्रिया है, और क्रिया में एबल सफिक्स का एड हुआ है और ईटेबल बना. ईटेबल का अर्थ होता है खाने योग्य. तो ये ईट से ईटेबल एडजेक्टिव का निर्माण हुआ, और ईटेबल में एस जोड़ने पर ये नाउन का फॉर्मेशन हुआ. ईटेबल्स यानी ठंडी खाने योग्य चीजें. वह 8 बजे उठता है. ही वेक्स अप एट 8 o'clock. वह समय का पूरा पाबंद है. ही इज क्वाइट पंक्चुअल. बिजली चमक रही है. इट इज लाइटनिंग. आज बेहद गर्मी है. इट इज वेरी हॉट टुडे. इट इज वेरी हॉट टुडे. तो देखो, इस ये दो सेंटेंस, 11वां 12वां जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, तो उन सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट काम में ले जाता है, इट और देयर. तो इट इज लाइटनिंग एंड इट इज वेरी हॉट टुडे. मुझे आपका पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका. आई गॉट योर लेटर बट आई कुडंट रीड. जब आप आए वो निकल चुका था, वो चला चुका था, वो जा चुका था. व्हेन यू केम ही लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट. तो ये पास्ट परफेक्ट के वो सेंटेंस है जिसमें एक सेंटेंस है, एक वाक्य पहले, यानी एक काम, यानी ऐसा कार्य जिसमें भूतकाल के ऐसे दो कार्य जिसमें एक कार्य पहले संपन्न हो चुका और दूसरा कार्य बाद में संपन्न हुआ. तो जो कार्य बाद में संपन्न हुआ उसको किसमें? पास्ट सिंपल में. और जो पहले हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में उसको लिखते हैं. आइसक्रीम मत खाओ. डोंट टेक आइसक्रीम. ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, अभी मत खाओ.
टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल. मेरी घड़ी बंद हो गई है. माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग. वह कांप रहा है. ही इज शिवरिंग. नेक्स्ट, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हो. आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी. आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी. वह गिटार का आदि हो गया है. ही हैज बीन एडिक्टेड टू गिटार. एडिक्टेड वर्ड का अर्थ होता है आदत, आदि हो जाना, लत लग जाना. जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान का आदि हो जाता है, लत लग जाती है, या शराब की लत लग जाती है, तो सेंटेंस होता है ही हैज बीन एडिक्टेड टू स्मोकिंग या एडिक्टेड टू वाइन. तुम्हें तो खांसी हो गई है. यू हैव गॉट कफ. मुंह ढककर खांसी करो. कोरोना का टाइम चल रहा है, बीमार हो घर पे रहो, खांसी आती है मुंह पर मास्क रखो. कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. 3:15 बजे हैं. इट्स 3:15. तो ये टाइम से संबंधित टाइम बताने के लिए जो सेंटेंस आ रहे हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. इट इज 3:15. अपनी आदतें सुधारो. मेंड योर वेज. अपने तौर तरीके सुधार लो. अपने व्यवहार सुधार लो. मेंड योर बिहेवियर. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दिन रात उन्नति करो. यही मेरी दुआ है. मे गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बाउंस. बाउंस तो ये सेंटेंस है. ऑप्टेटिव सेंटेंस है. मे से शुरू हुआ. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेनेसडे. दिखाओ चोट कहां लगी है. सो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट. इस वक्त, इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है. हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक. सीधे खड़े रहो, झुको नहीं. स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड. बेंड वर्ड का होता है झुकना. 30 नंबर, मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ. आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग. और आपको भी अपना टाइम, समय है सीखने में, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने में बिताना चाहिए. इसे प्यार का मतलब नहीं पता, प्यार की भाषा नहीं जानता. ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव. आज बुधवार है तो रविवार, आज बुधवार है वह रविवार को आएगा. इट इज वेनेसडे टुडे. हेल कम ऑन संडे. 33 नंबर, जितनी भूख हो उतना ही खाना. ईट एज पर योर एपिटाइट. ब्याह शादियां की सीजन हुए, जब दबा दब दोने आता हूं. बर्फियार, मिठाइयां, रसगुल्लार, गुलाब जामुन ठोके और पच उल्टियां करे है? तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए. जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए. और शाम का जो भोजन है वो हल्का लेना चाहिए. 34 नंबर, बेड पर खाना मत गिराओ. डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड. मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहा. आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज. जितना हो सके साफ लिखो. राइट एज लिजिबली एज यू कैन. क्योंकि स्पष्ट जो लैंग्वेज होती है वह दूसरों के पढ़ने में काम में आती है. इसलिए अपनी राइटिंग, लिखावट स्पष्ट एवं साफ सुथरी होनी चाहिए. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ. इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. जिद मत करो. डोंट बी स्टबॉर्न. तुम बहुत जिद्दी हो गए. यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. देखो, जिद्दी के लिए स्टबॉर्न वर्ड और ऑब्स्टिनेट वर्ड दो वर्ड है. भाड़ में जाओ, गो टू हेल. किसी से बातों बातों में कहा जाता है भाड़ में जा. तो इंग्लिश क्या बनती है इसकी? गो टू हेल. आवेश में ना आओ. डोंट गेट एक्साइटेड. और इसी उत्साह के साथ आज की वीडियो सीरीज हम समाप्त करते हैं. और आज और आपको ये शॉर्ट सेंटेंस आपके काम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. और ये वीडियो मैटर अच्छा लगा, मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.